देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में दसौ पश गांव खतपट्टी के 15 गांव में ग्रामीणों ने छात्रधारी चालदा देवता मंदिर में मशाले जलाकर दीपावली का आगाज किया। जनजाति क्षेत्र में कई खतपट्टियों में भी नई दिवाली मनाई गई। लोगों ने देव दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान 15 गांव के ग्रामीण विमल की पतली लकड़ियों का मशाल बनाकर मंदिर परिसर में ढोल दामों की ताप थाप पर नाचते गाते पहुंचे और छात्रधारी चालदा महाराज के जयकारे लगाए गए। वहीं देवता को समर्पित पुरानी जनजाति संस्कृति की वाहकों ने हुड़के की थाप पर देव स्तुतियां गाईं। यह दीपावली पारंपरिक रूप से मनाई जा रही है, जिसमें बम पटाखे नहीं जलाए जाते, दीपक के स्थान पर मशाले जलाई जाती हैं। देहरादून से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। हमारे यहाँ जो जौनसार बावर में जो नई दिवाली मनाने का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है, तो पहले हमारे यहाँ पुरानी दिवाली मनाई जाती थी, मतलब जस्ट एक महीने बाद जो है ये हमारे यहाँ जौनसार में बुढ़ी दिवाली मनाई जाती थी। लेकिन अब कई जगह जो है नई दिवाली अब मना रहे हैं लोग, जैसे जब चालदा महाराज जब से दशों में आए या जौनसार में जब से उनका प्रवेश हुआ है, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ नई दिवाली मनाई जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस बार जो है जो चालदा महाराज जी समय दशों में विराजमान है और पूरे खतपश गांव में क्या आधे जौनसार में शायद इस बार नई दिवाली मनाई जा रही होंगी। भाई जी, ये जो नई दिवाली है, जैसे मतलब कई सालों से पुरानी दिवाली मनाते थे, इस बार जो मतलब दशों में चालदा महाराज उनका जो आना है, इसी से मतलब इस नई दिवाली का जो प्रकोप है ये बनता है। अच्छा, जो फिर हमारे सरकारी कर्मचारी लड़के हैं, इस साल उनकी मतलब इसमें बहुत वो रहती है, फर्क रहती है, वो रहता है कि मतलब हमारे हर साल मतलब ये ना कि इस बार भी नई दिवाली का हो रहा है।